पीयू गर्ल्स हॉस्टल में देर रात घुसा युवक, मचा बवाल। एनएसयूआई ने पीयू सिक्योरिटी चीफ के दफ्तर के बाहर दिया धरना। बुधवार रात युवक पीयू गर्ल्स हॉस्टल 4 में एक लड़की के कमरे में घुसा, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हॉस्टल 4 में घुस गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक युवक द्वारा गर्ल्स हॉस्टल 4 में घुसकर एक स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक आधी रात के बाद सुबह करीब 3:30 बजे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हॉस्टल में घुस गया, जहां पर एक स्टूडेंट के कमरे में दाखिल हुआ। वह गहरी नींद में सो रही स्टूडेंट का चेहरा सहलाने लगा। इस बीच स्टूडेंट की नींद टूट गई और शोर मचाने लगी। इससे पहले कि वहां हॉस्टल के कर्मचारी और अन्य स्टूडेंट्स पहुंचती, वह फरार हो गया। घटना बीते बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे पीयू के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 4 की है, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स की एक स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते गहरी नींद आ गई थी। स्टूडेंट को सोए सोए उसका चेहरा सहलाने का एहसास होने लगा और वह नींद से एकदम उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही युवक कमरे से बाहर की ओर भागा। करीब 10 मिनट तक स्टूडेंट सहमी रही। इसके बाद घबराई हुई स्टूडेंट ने स्टेबल होने पर अपने सहयोगियों को फोन किया और हॉस्टल की रिसेप्शन पर भी घटना की जानकारी दी। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस मामले को लेकर एनएसयूआई संगठन ने भी पीयू प्रशासन की सिक्योरिटी चीफ विक्रम चौधरी के दफ्तर के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। पार्षद सचिन गालव ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी चीफ विक्रम चौधरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुधवार रात 3 बजे के करीब गर्ल्स हॉस्टल 4 में एक अज्ञात युवक घुस जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ थे सुरक्षा कर्मी? आखिर उस युवक को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका गया? देर रात वह युवक गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल में क्या कर रहा था? इस मामले में पीयू प्रशासन उस अज्ञात युवक पर कार्रवाई करवाने की बजाय लड़की पर दबाव बना रहे हैं। उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि वह बाहर लोगों को यह कहे कि उसने एक सपना देखा था। आप इसको बाहर लोगों से ना कहें। इस मामले में पीयू प्रशासन के जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और उन पर पुलिस कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो सके। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा काम होना कि गर्ल्स प्रीमिसेस में, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रात के 3 बजे किसी लड़के का आना अपने आप में शर्मनाक बात है। एक ये छोटी बात नहीं है, जहाँ हम कहते हैं कि यूटी एक ये कैपिटल है हरियाणा पंजाब की, सबसे सेफेस्ट सिटी बोलते हैं इसे, ऐसी सिटी बोलते हैं जो पंजाब हरियाणा से जुड़ी हुई है, वहाँ पे ऐसी हरकत होना अपने आप में शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है वो विफल रही है, फेल रही है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, लड़के और लड़कियों को सही एटमोसफेयर देने में। और उसके बाद सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि अथॉरिटीज इस मुद्दे को दबाना चाहती है। अथॉरिटी ने इस बात को रोकने की कोशिश करी, बाहर ना आई ये मुद्दा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक इशू हुआ था लड़कियों के रिलेटेड, बहुत भारी लेवल की प्रोटेस्ट हुई वहाँ पर, पुलिस ऑफिशियल यूज हुए, फोर्स यूज हुए। ऐसा ही इंसिडेंट अगर यहाँ कल कुछ भगवान ना करता कोई लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता, तो कौन इस इंसिडेंट की जिम्मेवारी लेता है? ये बात कही जाती है कि एक छोटी सी बात है, थोटी कहती है, फिर क्या हुआ? एक लड़की है, एक लड़की की बात नहीं है कि 11,000 यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां पढ़ती हैं। क्या वो लड़कियां हॉस्टल में रहने वाली सेफ महसूस करती हैं कि तीसरे फ्लोर तक एक लड़का रात के 3 बजे पहुंच जाता है और हम अथॉरिटी उस पर उन्हीं की आवाज़ को दबाने का काम करती हैं, उस लड़की को डराने की कोशिश करती हैं, धमकाने की कोशिश करती हैं, उनसे बोला जाता है कि आपको बाहर ये बोलना है कि ये एक सपना था, ये एक इंसिडेंट था, एक फिल्मी इंसिडेंट बनाकर के बाहर सपना था, ये बाहर आप इसको डिस्टर्ब ना कीजिए। तो ये हमारी लड़ाई, हमारी प्रोटेस्ट ही इस खिलाफ थी कि सबसे पहले तो उन लोगों को जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है उन्हें सस्पेंड किया जाए, जांच छानबीन की जाए कि कौन वो व्यक्ति था जो अंदर आया। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी पिछले 1 महीने से बिल्कुल ही फेल है यूनिवर्सिटी को चलाने में, सेफ महसूस करवाने में। इस अथॉरिटी के अंदर अकेले चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं और काफ़ी सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई काम नहीं किया। अगर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करने की बात आती है कि वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स चाहिए, उन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर भी उन्होंने अपनी चुप्पी साधी है। और इस इंसिडेंट पे तो ये कमरा हर रोज़ यहाँ पर बैठते हैं, हर रोज़ यहाँ बैठकर चाय पीते हैं और आज ये बाहर जम्मू कश्मीर जाने का झूठा ढोंग रचाते हैं, क्योंकि आज इन्हें पता था कि इनकी जवाबदेही है कि उस बेटी के साथ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदार। हमारी मांग ये है जो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है उन्हें सस्पेंड किया जाए, अपनी पोजीशन से हटाया जाए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को और पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी दी जाए। क्या एक्शन आगे अथॉरिटी लेगी कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो? क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, हमारी बहन और बेटियां सेफ महसूस? अगर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा, हमारा अगला रुख, हम इनको अल्टीमेटम देके एक मैसिव प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और सारे चंडीगढ़ की वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को हम इन्वाइट करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी संस्थान में लड़कियों को ऊपर से थ्रेट करते हैं,
जो लड़की के साथ गलत होता है उसे ऊपर से थ्रेट किया जाता है, तेरे घर बता देंगे, ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वहीं इस मामले को लेकर हमने पीयू प्रशासन से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा इस मामले में उनका प्रशासन भी जांच कर रहा है, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने गेट खुला छोड़ा हुआ था तो ड्यू टू दैट दिस हैपेंड तो उन्होंने चेक नहीं किया, इट्स ए लैप्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड दैट ऑफ अटेंडेंट। तो वार्डन ने कल 12:30 बताया, देन वी हैव गॉन टू द हॉस्टल, वहाँ हमने चेक किया, पुलिस को बुलाया, सारी चेकिंग करवाई है एंड वी आर टेकिंग द स्टेप्स। उसकी जो बच्चे ने कंप्लेंट दी थी वो कंप्लेंट हमने पुलिस को दे दी थी और उसके बाद जो हमने रिकमेंडेशन दी है, जितने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट उस टाइम ड्यूटी पे थे दोज हैव टू बी सस्पेंडेड, और उनसे ऊपर वाले हैं जो सीनियर असिस्टेंट या क्लेरिकल जो भी स्टाफ है उनका, उन पे भी वी विल टेक सम एक्शन, अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, दैट विल नॉट बी द माइल्ड वन, दैट विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन। मैडम DSW भी बैठे हैं, वुमेन DSW, एसोसिएट DSW भी बैठे हैं और सभी वार्डन्स को बुलाया था कि उसके लिए कि एंट्री जब बच्चे की करनी है, दैट इज़ हाउ टू चेक द एंट्री ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गर्ल्स हॉस्टल, और 11 o'clock के बाद दोज हैव टू बी वेरी अलर्ट बाई, दैट इज दोज हैव टू मेंटेन ए रजिस्टर, रजिस्टर पे एंट्री करके बच्चा एंटर होगा और कैमरे सभी के चेक करेंगे। और थर्ड वन इज कि वो जो अटेंडेंट्स हैं और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हम अपनी टीम्स बना के, वार्डन्स की या DSW की टीम बना के रात को चेकिंग करेंगे कि वो अलर्ट हैं कि नहीं है, विल डू दैट। बॉयज़ हॉस्टल में भी कॉरिडोर में कैमरे लगे हुए हैं, बट वी से हमने अभी कहा है कि मीटिंग करेंगे चीफ सिक्योरिटी से, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की और ज़रूरत है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और बढ़ाने की रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्ट्रार से और चीफ ऑफ यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी से। उसके बाद वी विल डू रूटीन चेकिंग हमारे वार्डन्स के थ्रू, हमने काउंसिल को भी बोला है काउंसिल शुड पार्टिसिपेट इन दिस, दैट इज़ टू हेल्प अस कि वो सिक्योरिटी ऑडिट करें या रात को दैट मीन इज टेक ए राउंड कि चेक करें कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम है, विल डू दैट, उसको करेंगे। PU सिक्योरिटी एंड ऑन वार्डन्स एंड द DSW ऑफिस एंड द वाइस चांसलर ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग द स्टेप्स, वी ऑल आर डिस्टर्ब विद दिस इंसिडेंट। इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वी कांट से कि कहाँ से कमी है, बट वी मस्ट से कि जो भी प्रॉब्लम हुई है दैट इज़ ड्यू टू कि वो अटेंडेंट और सिक्योरिटी वॉज नॉट अलर्ट, एंड वी विल मेक श्योर कि स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्टूडेंट्स या बॉयज स्टूडेंट्स का स्टे यहाँ सेफ एंड सिक्योर रहे, एंड वी आर टेकिंग द स्टेप्स एंड वन और टू डेज विल डू ऑल द थिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।